हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बदलापुर में फ्लड आया था। जैसे मैंने आपको मेरा जो प्रीवियस वीडियो था, मैं उसी में बता दिया था कि कितना पानी भरा है उल्लास नदी में, या फिर हमारे घर के पीछे कितना पानी भरा है, वो सब मैंने आपको वो वीडियो में बता दिया था। और मीन्स ऐसा सब, मतलब 21 को जो बारिश आ रहा था, 20 से 21 तक जो बारिश स्टार्ट हो गया था, तो हम लोग को लगा अभी भरेगा, बट वो भरा नहीं। और फिर मतलब 21 के रात, मतलब दिन भर इतना बारिश आ रहा था, तो हम लोग को लगा कि तभी भरने वाला है, बट वो तभी भी भरा नहीं। फिर रात हो गया, बहुत बारिश आने लगा। पीछे वाले जो नाला है उसका भी, उसमें भी पानी का थोड़ा हाइट बढ़ गया, मतलब हाइट उसमें पानी बढ़ गया। और उसके बाद भी सबको ऐसा लग रहा था। और वो जो वॉकिंग ब्रिज है, जो मैंने आपको उसका भी मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था, वो जो वॉकिंग वाला जो ब्रिज है, उसके ऊपर से पानी आ रहा था। तो पानी पूरा रिटर्न इधर तक आया था रात में। तो फिर हम लोग ने क्या किया, फटाफट हम लोग ने और बच्चों का बुक्स, हमारे कपड़े वगैरह सब हम लोग ने पैकिंग कर दिया था। 1 बजे तक पैकिंग किया मैंने, उसका भी थोड़ा सा निकाला है, तो मैं वो आपको दिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी रात के बज रहे 1, और हम लोग ने सब इधर पूरा पैकिंग वगैरह करके बैठे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा ही आ रहा है और पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। और बारिश तो रुक ही नहीं रहा है, ऊपर से लाइट भी गया है। और हम लोग ने देखो सब फुल पैकिंग वगैरह करके बैठे हैं यहाँ पे। अगर जैसे ही पानी अगर हमारे सोसाइटी में अगर घुसता है, तो हम लोग सब सामान लेके सीधा ऊपर। तो जैसे देखो अभी इसको मैं बोल रही हूँ, बीच बीच में डायलॉग मार रहा है। और आज हमारा डायलॉग बोलना भी नहीं, ऐसे नहीं बोलेगा। तो अभी हम लोग मतलब जैसे पानी थोड़ा भरेगा तो हम लोग जाएंगे ऊपर टेरेस पे। अभी पता नहीं फ्लड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, भरोसा नहीं है। अभी देखो लाइट भी गया, हम लोग ने टॉर्च वगैरह लगाया है, पूरा घर हम लोग ने पैक वगैरह कर दिया। नहीं बस हो गया, फुल घर हम लोग ने पूरा घर खाली कर दिया। अभी बस जाएंगे अभी ऊपर। आज किसी को नींद भी नहीं आने वाला है, एकदम सब बैठे, एकदम पैकिंग वगैरह करके थक के बैठ गए। तो अभी देखो ये क्या बोल रहा है, यो तारा भाई सोनू इतना पैकिंग करेगा किसी ने सोची ना होगी। पैकिंग वगैरह करके हम लोग ने रखा, जैसे 2 बजिया 3 बजा, तो मतलब 2:30 से ही बारिश आना बंद हो गया। और उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जो गया था वो भी आ गया, और बारिश भी रुक गया। तो हम लोग को लगा कि और पानी का ये भी वॉल्यूम भी कम हो गया था, मतलब पूरा जो रास्ते पे पानी भरा था वो पूरा खाली हो गया था, और उधर भी उसका भी पानी का हाइट कम हो गया था और बारिश भी रुक गया। तो हम लोग को लगा कि पानी भरने वाला है। तो फिर हम लोग ने पैकिंग करके सब, हम लोग ने इधर दरवाजे के यहाँ पूरा हम लोग का पैकेट वगैरह सब रख दिया था कपड़ों का। फिर हम लोग सो गए उसमें, मीन्स अबाउट 3:30 या फिर 4:45 तक हम लोग सो गए। सोने के जैसे सो गए तो 5 बजे वो हम लोग के बिल्डिंग में एक है, वो रहते हमारी बिल्डिंग का मेंबर है, वो आए। मीन्स हमारे कैसे बच्चे योगा वगैरह को जाते हैं, तो मॉर्निंग को योगा के लिए जाते हैं ना, हम लोग की बिल्डिंग में ही होता है। तो मीन्स हम लोग का ही ग्रुप ने ये सब किया था, मैंने आपको एक बार बता भी दिया था। तो हमें लगा कि वो योगा के लिए बुला रहे, तो मेरे हस्बैंड बोलते कि नहीं आज बच्चे नहीं आएंगे, आज वो अभी जस्ट हुए तो आज वो योगा को नहीं आएंगे। तो वो बोलते योगा को छोड़ दो, इधर देखो पानी बाहर। तो फिर हमारे दरवाजे पे पानी आया था, और दरवाजे मीन्स हमारा जो नीचे स्टेप है ना, उसके एक स्टेप हो गया था, एक ही स्टेप बचा था, उसके बाद में घर पे आ जाता था। तो फिर मतलब हम लोग ने इतना फास्ट मीन्स बोलते ना, पूरा 15 मिनट्स में हम लोग ने पूरा घर खाली कर दिया। फिर पूरा सामान हम लोग लेके गए ऊपर सीधा टेरेस पे। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइव भी बताया था आपको, लाइव वीडियो भी बनाया था। और फिर वैसे ही हम लोग का जो दिन हम लोग निकाले, जिसमें हम लोग कैसे खा, मतलब हम लोग, मुझे लगा कि एक दिन पानी रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में दिन भर पानी था, मतलब रात को भी था पानी। तो फिर हम लोग ने सोचा था कि हम लोग ऊपर कुछ बनाएंगे, या फिर बोलते ना कुछ
कुछ स्पेशल कुछ भजी वगैरह फ्राई करके या फिर कुछ भी करके हम लोग का प्लानिंग चल रहा था, बट वो ऊपर सामान लेकर जाने तक कि हम लोग के साथ थोड़ा सा टायर्ड हो गए। फिर उसके बाद में हम लोग के बिल्डिंग वाले लोगों ने चाय नाश्ता वो सब कर लिया, हम तो सब हो गया। फिर उसके बाद में थोड़े देर के बाद में मीन्स शाम में 4 बजे तक पानी का फ्लो, मतलब हम लोग ने दोपहर में वहाँ पे गेम भी खेला, चेस खेला, फिर कैरम बोर्ड वो सब हम लोग ने किया। और उसके बाद में देखा तो पानी 4:30 को पानी सब चले गया। फिर नीचे आए हम लोग, तो मैंने उसका भी आपको क्लिप में सब बता देती हूँ। MS-30 गाड़ी घर पूरा रूम पूरा भर गया हमारा, और नीचे का लुक देखो। जाए हम लोग फिर देखे तो पूरा पानी गया था। फिर पानी थोड़ा बहुत वो भी हमारी बिल्डिंग के मेंबर है वही लोग मीन्स सब हम लोग को हेल्प किया। द छूट के हमें हमारे मतलब हमें जितना भी बिल्डिंग में जो भी मेंबर है वो और हमारे जो नेबर्स हैं सब बहुत अच्छे हैं, और मतलब हर इसमें वो हमें हेल्प करते हैं। बोलते ना अभी हम लोग हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे बस, बट लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग का छोटा सा परिवार है। बट ऐसा कुछ भी फंक्शन रहेगा या फिर कुछ फंक्शन नहीं मीन्स ऐसा कुछ मीन्स ऐसा आप बोलते ना ऐसा सब ऐसे सिचुएशन में वो पहले आके खड़े हो जाते हैं हम लोग का हेल्प करने के लिए। तो फिर फ्रेंड्स देखो हमारा घर इधर तक पानी भरा था, और ये देखो मैंने बनाया था पूरा खराब हो गया। हाँ उधर सब पानी मारना पड़ेगा। पानी है और पापा घर भी कम हो गए बाहर और है कमर तक। वापस भरेगा नहीं ना पापा नेक्स्ट टाइम।
सब फिर वो हो गया, उसके बाद में फिर हम लोग ने खाना वगैरह खाया, फिर गेम खेला, फिर रात में प्रोजेक्टर में हम लोग ने मूवी भी देखा। और क्योंकि उस दिन रात में हम लोग यहाँ पर सो ही नहीं थी, हम लोग ऊपर ही टेरिस पे भी नहीं सोए थे, हम लोग ऊपर पर के फ्लोर पे एक फैमिली है उनके घर पे हम लोग सोए थे। तो फिर मतलब हमारा सामान अभी तक उनके घर में, मतलब बोलेंगे नहीं, मतलब एक एक जन रहते, मतलब फील ऐसा कुछ भी नहीं है उनका, उल्टा वो बोल रहे कि और 30 तारीख तक रख दी क्योंकि पानी वापस से भर भी सकते हैं करके। तो वो सब हो गया अभी, उसके बाद में अभी हम लोग ने तो सब अभी तो क्लियर मीन्स अभी अब तक तो और सामान हमारा सेटल नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने बोला है, देखो सोफा भी ऊपर ही पड़ा है उनके घर में, ट्रेडमिल सब सब बीमारी वगैरह है वो सब सब ऊपर ही पड़ा है, अभी तक ऊपर ही पड़ा है। और उसके बाद में अभी तो ये सब हो गया, तो भी अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो चिपलूर में जो बाढ़ आया है उनके बाढ़ के आगे हमारा तो कुछ भी नहीं है। बोलते ना उनका उनका जो हालत, चिपलूर में जो बाढ़ आया है उनका उनका मतलब जितना लॉस हुआ है, मतलब पूरा ही गया है उनका, तो कुछ भी नहीं, बोलते ना कुछ भी नहीं बचा है। तो उनके आगे हमारा तो कुछ भी नहीं है, मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है हम लोग का। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरा ग्रुप मिला के, जो मैंने बोला था कि हम लोग ने ग्रुप बनाया, तो हम लोगों ने सब ने मिल के चिपलूर के लिए मतलब हम लोग ने कुछ चावल गेहूँ मतलब रेशन पानी वहाँ के लोगों को दवाई वो सब हम लोग ने अरेंज कर दिया था। और उसी का ही पैकिंग चल रहा था, मैं वहीं पे कल भी मैं जाने वाली थी, बट सोनू का तबीयत खराब था, आज मेरा तबीयत खराब है, आज उसने मुझे एक दवाई दी है, अभी उससे मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा कम हो गया है। मुझे भी हो गया था सर्दी है, सर्दी हो गया था, सर दर्द दे रहा था बहुत, तो फिर मतलब वही मेरी नेबर है, उनकी बेटी है, तो उन्होंने मुझे दवाई भी दिया, तो फिर मैं वही खा के अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो अभी जाएंगे, हम लोग का फाइनल सब हो जाएगा, तो मैं आपको वो सब क्लिप वगैरह दिखाती हूँ। और ये देखो सोनू कैसे बेटा है वहाँ पे, तो उसको भी थोड़ा सा बोलते हैं ना, उसका भी तबीयत ठीक नहीं था 2 दिन से वो बहुत, तो फिर और थोड़ा बहुत पैकिंग का, मतलब पैकिंग मीन्स बोलते ना एक घर शिफ्टिंग होता है ना, वैसा हाल हो गया। तो अभी और सामान अभी तक हम लोग ने शिफ्ट किया नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब करेंगे। तो अभी तो फिलहाल हम लोग का वो सामान चिपलूर बेचने के इस पे हम लोग वो तैयारी में बैठे, तो फिर उसके बाद में बोलते ना पूरा फ्री हो जाएंगे, फिर मतलब वो क्या काम तो क्या धीरे धीरे होते ही रहेगा। और तो मैं आपको मेरा जो 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 है मैंने जो छोटा छोटा क्लिप्स बनाए वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, आप देख लीजिए। देखो ये लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, पूरा बेड मतलब हम लोग का जो बेडरूम में जो बेड था वो मेटल का था ना, तो उसको हम लोग ने ही घर में ही छोड़ दिया था, उसको लेकर नहीं आए थे, अभी उसमें पूरा जंग वगैरह पकड़ा है। अभी देखो मेरे हस्बैंड इसको पूरा रिपेयर कर रहे हैं, उसको सब कलर वगैरह लगा रहे, दोनों का चल रहा है, उनका और जीतू का, जीतू पेंट कर रहा है, स्प्रे पेंट देखा। हो गया क्या, वो आगे का हो गया, पीछे बचे, पीछे नहीं करना, दिख रहा है ना, हाँ अच्छा दिख रहा है, नहीं नहीं कम हो गया ना पूरा, चलेगा इसको मार दे। देखो मल्टी टैलेंटेड। अभी देखते हैं उसके बाद क्या होता है, मतलब पहले तो ऐसा कलर दिख रहा था, अभी उसने देखो कैसा कर दिया, एकदम नया न्यू बना दिया है पूरा। अभी ये पूरा होने के बाद मैं आपको बताऊंगी, अभी फिलहाल तो इनको करने दो काम। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि देखा यहाँ पे इनका तो ये काम चल रहा है, और जो सामने हम लोग ने सब सामान वगैरह सब जो रेडी किया मैं आपको वो भी दिखा देते, जो हम लोग स्कूल ड्रेस चिपलूर में है उनके लिए जो हेल्प हमारे एरिया वाले जो कर रहे हैं ना, तो मैं उसका भी आपको लुक दिखा देती हूँ कि हम लोग ने क्या क्या अरेंजमेंट किया है। तो अभी मैं वहीं पर जा रही हूँ, तो मैं वहाँ का भी आपको थोड़ा बहुत क्लिप दिखा देती हूँ, तुम लोग निकालना। हाँ
देखो फ्रेंड्स इतना सारा सामान अरेंज किया है और इसमें पूरे कपड़े अपना शरी नगर संघ मेरे को इनके घर पे हम लोग ने सब अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे अभी ट्रक आया है, अभी जाएगा, रात में 9 बजे तक निकलेगा। कितना प्यार से बैठी है। लिस्ट बनवा जर तुझी नाव लिया
तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा पूरा मेरा फ्लड जो बदलापुर में जो फ्लड आया था उसका सब जर्नी। और फ्रेंड्स और देखो मेरा मैंने जो फिश टैंक का बनाया था देखो वो भी चले गया पूरा। और जैसे कि मैंने बोला था आपको कि हम लोग चिपलून में सब पूरग्रस्त को हम लोग कुछ हेल्प भेजने वाले, तो फिर उसका भी मैंने आपको अनाज वगैरह जो हम लोग ने अरेंज किया था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और एक्चुअली रात में ही मैं आपको आपके मतलब ये वीडियो कम्प्लीट करने वाली थी, बट उधर से आने तक ही 11:30 हो गया और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो फिर हम लोग ऐसी मतलब मैं भी सो गई। और जैसे कि आप देख रहे हो अभी भी मेरा आवाज़ बैठा हुआ ही है, अभी भी मैं और थोड़ा सा और प्रॉब्लम चल रहा है गले में। और जैसे कि आपने देखा ही होगा मैंने जो कुछ क्लिप्स भी मैंने डाला है कि वहाँ पे क्या हालत हुआ है चिपलून में, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं मीन्स पूरा एकदम वहाँ पे। और यहाँ जो हम लोगों ने भेजा था मतलब वो हमारे ग्रुप वाले नहीं मिलके हम लोग की संस्था वगैरह उसके थ्रू नहीं गया, हम लोग ही खुद गए, मतलब हमारे ही आदमी खुद वहाँ पे जाके एक एक घर ढूंढ ढूंढ के उन्होंने दिया है, मतलब जिसको जो ज़रूरतमंद है उसको वो दिए है उन्होंने। और ये देखो कैसे एड़े चली कर रहे हैं पीछे, बात करते वक्त ही आता है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और बस इतना ही है फ्रेंड्स आज के लिए, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उससे भी इम्पोर्टेंट स्माइल करो। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।